स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और टिपिकली इस प्रोसेस में इनटेक होता है ऑक्सीजन का और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन जो है वो दो फेजेस में डिवाइड की गई है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग और इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। ब्रीदिंग के दो स्टेप्स होते हैं, एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन बोलते हैं हवा के अंदर लेने को, ऑक्सीजन के इनटेक को बोलते हैं इंस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज को बोलते हैं लंग्स से बाहर जब हम सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। ओके, इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वही मेन रेस्पिरेशन है, उसी की वजह से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो सेल्स के अंदर जाती है, हमारे शरीर के एक एक सेल्स के अंदर जाती है, और वहां जो भी फूड मटेरियल होता है उसको ऑक्सीडाइज करती है, कंबस्ट करती है, और वहां से निकलते हैं वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उस इस रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोनेटेड वाटर बाहर चले जाते हैं शरीर से और एनर्जी हमारा शरीर यूज करता है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज एनर्जी रिलीज होगी कल नहीं होगी, ये हर वक्त जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक ये रिएक्शन आपके शरीर के हर एक सेल में हो रही है। अब रिएक्शन जो रेस्पिरेशन है इसकी टाइप्स अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी दो टाइप्स होंगी, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ग्लूकोज को वो तोड़ देती है और एनर्जी रिलीज कर देती है। और एनएरोबिक में क्या होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। मेजोरिटी जो ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में वो सारे एरोब्स हैं। एरोब्स मींस वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन का मोड होता है जिनका। और एनएरोबिक की एग्जांपल है यीस्ट। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, तो बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये काम चला लेता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन से भी। बट जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें ज्यादा एनर्जी की रिलीज होती है और एनएरोबिक में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। और कंप्लीट कंबशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट। और इनकम्प्लीट कंबशन होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, देखिए इनकम्प्लीट कंबस्शन, और यहां पे रिलीज होते हैं एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सिर्फ एक ही सेल होता है, उनमें उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहीं से रेस्पिरेशन हो जाती है, वहीं से हवा का आदान प्रदान हो जाता है एक प्रोसेस से, उसका नाम है डिफ्यूजन। अर्थवॉर्म और टेपवॉर्म में स्किन से रेस्पिरेशन हो जाती है। टैडपोल यानी जो यंग वन होता है फ्रॉग का, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम है गिल। पर जो मैच्योर फ्रॉग है उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम है लंग, यानी मैच्योर फ्रॉग्स में लंग्स बन जाते हैं, पर जो टैडपोल होता है छोटा यंग वन उसमें अभी गिल्स होते हैं, वो वहां से रेस्पायर करता है। कॉकरोच और ग्रास होपर जो होते हैं वो ट्रैकिया से करते हैं, ट्रैकिया भी एक नेटवर्क के ट्यूब्स का। फिशेज और प्रॉन्स ये भी गिल्स से रिस्पायर करते हैं। मैमल बर्ड्स एम्फीबियंस ये सब लंग्स से करते हैं, और जो शीप है ये पेटोरलिस मसल से करती है रिस्पायर। लंग वॉल्यूम्स हैं कुछ, लंग से रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम हवा के उस वॉल्यूम को बोलते हैं जो नॉर्मली जब हम एफर्टलेसली ब्रीथ करते हैं तो तब जो वॉल्यूम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं जितनी हवा उसको बोलते हैं, और ये 500 ml होता है नॉर्मली।
एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड एट वन ब्रीथ, एक ब्रीथ, एक इनटेक में हम जितनी एयर इंस्पायर करते हैं, अंदर लेते हैं, और जितनी छोड़ते हैं उसको बोलते हैं टाइडल एयर। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब हम वो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है उतनी मात्रा की जो हवा जो हमारे अंदर आती है जब हम बहुत ही गहरी सांस लेते हैं। ओके, बहुत ही गहरी सांस लेने के बाद जितनी पॉसिबल वॉल्यूम हम इंस्पायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है और इसको कम्प्लीमेंटल एयर भी बोला जाता है, कम्प्लीमेंटल एयर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है वैसे भी टाइडल एयर के। टाइडल एयर नॉर्मली जब हम इनहेल करते हैं और ये कम्प्लीमेंटल है जब हम डीप इनहेल करते हैं। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, अपनी एक्सहेल करते हैं फोर्सफुली, उस वक्त हम कितनी हवा को रिलीज कर पा रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये 1000 ml तक होता है सिर्फ। और सप्लीमेंटल एयर बोला जाता है इसको, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बोला जाता है कम्प्लीमेंटल एयर और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बोला जाता है सप्लीमेंटल एयर। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स वो होती है कि लंग्स कितना एक्सपायर कर सकता है मैक्सिमम आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन, एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम एक लंग्स एक्सपायर कर सकता है, यानी कितनी हवा छोड़ सकता है एक लंग गहरी सांस लेने के बाद। 3400 से 4800 ml तक इसका वॉल्यूम हो सकता है, और ये एथलीट्स में ज्यादा होती है, माउंटेन ड्वेलर्स जो होते हैं इनमें भी ज्यादा कैपेसिटी होती है ये। अब माइन्यूट वॉल्यूम किसको बोलते हैं, माइन्यूट वॉल्यूम इसको बोलते हैं जितनी हवा अंदर या बाहर आती है हमारे लंग्स के एक मिनट के अंदर। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये वो हवा है जो लंग्स के अंदर ही रह जाती है जब हम नॉर्मली सांस को छोड़ते हैं, इसको FRC भी बोलते हैं शॉर्ट में। एक रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है हवा का जो लंग्स के अंदर रह जाता है जब हमने बहुत ही फोर्सफुली एक्सपायर किया है, जब हमने बहुत ही जोर से मतलब एक्सहेल किया है और उस वक्त भी कुछ हवा अंदर बच जाती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। धन्यवाद।